वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्पेंडी द कार लवर। मैं आज आपको वैगन आर वी एक्स 2011 का ये स्टीरियो का सेटिंग बताऊंगा। ये तो वॉल्यूम का है, ये वॉल्यूम का है, और ये ट्यून ट्रैक, मतलब एफएम जैसे हम बजाते हैं तो एफएम सर्च करने के लिए ये वाली बटन दबाना पड़ता। और ये ऑक्स की बटन है, ऑक्स से आप यहाँ पे एक पोर्ट हुआ है, ये जो पोर्ट है ना, इसमें एक केबल डालना पड़ता है ऐसा वाला। ये ऐसा एक केबल रहता है, उसे यहाँ पे डालना पड़ता है, ये ऐसा, और फिर ये ऐसा निकल जाता। और ये म्यूट का बटन है, ये म्यूट करने पे होता। अब ये म्यूट हो गया, और अगर इसे एफएम पे लाना है तो यहाँ से ये एफएम पे आता, ऐसा एफएम पे आता है। एफएम 1, एफएम 2, एफएम 3 रहता है। ये सीडी का है, सीडी ऐसे डालना पड़ता है। और ये म्यूजिक, मतलब ये इक्विलाइजर है, ये ऐसा होगा ऐसे, ये पे रॉक पे होता है, क्लासिक पे होता है, पॉप्स पे होता है, जैज़ पे होता है, हिप हॉप पे होता है, और ये फ्लैट पे भी होता है, कस्टम पे भी होता है। और ये रॉक पे है अभी, और यहाँ से बेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ऐसे ऐसा माइनस भी कर सकते हो बेस, और पूरा प्लस भी कर सकते हो, और यहाँ से ट्रेबल भी पूरा कम कर सकते हो और बढ़ा सकते हो, और यहाँ से बैलेंस कर सकते हो पूरा। अभी लेफ्ट साइड हो गया, और अभी राइट साइड हो गया। और अगर हमें राइट साइड का एक स्पीकर ऑन रखना है तो इधर से एक स्पीकर भी ऑन हो जाएगा। बस अभी ये इधर वाला स्पीकर चल रहा है, और इसे अगर नॉर्मल करना है तो ये पूरा जीरो पे आएगा। और ये राइट पे भी ऐसा ही होता है, ये अभी जीरो, और इसे भी जीरो कर सकते हैं, ये इसे पूरा जीरो, तो ये मीडियम में आ जाता है। और अभी मैं इसे रॉक पे कर देता हूँ। और ये यूएसबी पोर्ट है, लेकिन इसमें पोर्ट तो नहीं है, बस यूएसबी की बटन है। ये देखो यूएसबी अडेप्टर दिखाता है, लेकिन अडेप्टर कौन सा पता नहीं, ये वाला लगता होगा ऐसा चार्जिंग का। और ये ऑटो स्टोर भी है, इससे भी आप सर्च कर सकते हो एफएम। और ये डिस्क का है, मैंने आपको एक वीडियो निकाला था डिस्क से, तो ये टाइम की बटन है, ये इसके ऊपर टाइम का ये भी सिंबल बना है, तो ये ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा करना पड़ता है। और ये डिस्क के बटन को अगर एक बार दबाए तो टाइम आता, और एक बार दबाए तो एफएम का ये आता चैनल नेम। और कुछ नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।